चल रहा था, हो गया था। अच्छा हेलो लिख तो नहीं गया था। ठीक है, कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली शो बायस ला है? ऑप्शन सी। साधारण नियम थोड़ा पूछे, बाल के नियम बताओ, है ना? इसका एप्लीकेशन, हर नियम का एप्लीकेशन पूछता है। अभी देखिए बुकों में, और मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसके लिए, इस लाभ को, है ना? अब देखिए, अच्छा आप जानते हैं बाल के नियम का दूसरा रूप देखिएगा, शायद बुक में दिया हो, है ना? बहुत यही तक छोड़ देता है बाद में, अब इसका रिमूव कर दूँगा। अच्छा बताइए, द्रव्यमान और घनत्व में क्या संबंध है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे होता है ना, यानी डेंसिटी अगर हम डी ले तो बताइए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे डी इज इक्वल टू एम बाई वी। एम क्या है? मास है, वी क्या है? अच्छा इसको तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वी इज इक्वल टू एम बाई डी। तो आयतन क्या हुआ? घनत्व के विरुद्ध, अगर घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ना, एक एरिया में उनकी संख्या बढ़ जाएगी। घनत्व का मतलब घन बढ़े वाले, अगर घनत्व बढ़ जाएगा पास पास आएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। इसका मतलब है कि घनत्व और वॉल्यूम भी एक दूसरे के विक्रमा है ना। अच्छा बताइए, सपोज दैट पहली गैस का आयतन V1 है और द्रव्यमान M1 है, घनत्व D1 है, क्यों? तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 बाई D1, ठीक है। दूसरी गैस का वॉल्यूम पढ़ा कर हमने V2 कर दिया, और इसका मास देखिए, मास क्या कर दिया, सपोज दैट मान लीजिए कांस्टेंट है ना, तो आपका m1 और m2 दोनों क्या है बताइए? नियत है सपोज, या m by d1 लिख दीजिए या m by d2 लिख दीजिए। तब बताइए इस फार्मूले में यदि रख देंगे आप p1 v1 is equal to p2 v2, तो बताइए p1 into v1 बराबर क्या लिखा? m by d1, p1 into m by d1 equal to P2 into M by D2, एक रिलेशन आ रहा है, M से M क्या हो गया? Density, एक बायल का एक नियम इस तरह in the form of density लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना? एक बार, हाँ, एक P2 हो जाएगा, P1 upon D1 is equal to P2 upon D2, अगर मान लीजिए किसी गैस का प्रेशर, P2 हो जाएगा, हाँ, हाँ, P2 लिखा है ना? हाँ। अब बताइए ये भी क्या है, बायल्स के नियम का एक अनदर फॉर्म मिल गया ना आपको, जो किसी में बताता है प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन, किसने बता रहा है? मूल रूप में क्या था? प्रेशर और वॉल्यूम, है ना? इससे अब आप प्रेशर और डेंसिटी का भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आए, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर और एक गैस कर दी इतना बार या टार में दे दिया ना, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस इज तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, क्यों तो सही बता सकते हैं, है ना? ये फार्मूला लिखिए और एक सवाल लिखिए, है फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगी, हाँ ये ये वहां से लिखिए, वहां से
उठा लिया, उसे लिखिए a vessel of a vessel VESSEL a vessel of 120 ml capacity 120 ml capacity contain a certain amount of gas at 35 degree centigrade at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure यानी pressure कितना है 1.2 bar pressure. The gas is transferred, यानी दूसरे में डाल दी जाती है ना, दूसरे बर्तन वेसल माने बर्तन कंटेनर ना. The gas is transferred to another vessel of volume of 200 ml at 35 degree temperature. What would be its pressure? देखिए आप कैसे पहचानेंगे, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर 35 दिया है ना, इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट. इसका मतलब है कि यही वाला फार्मूला लगेगा P1V1 = P2V2. अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम हमने वेसल का बढ़ा दिया तो डेड श्योर है कि प्रेशर उसका घट जाएगा. मतलब यही तो बल्ब में कहता है, अगर बल्ब के नियम का फॉलो हो रहा है तो यदि हम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो जो प्रेशर निकालने की बात कर रहा है जो पुराना पहला प्रेशर है उससे कम वैल्यू आनी है कि नहीं. आइए देखते हैं प्रूफ करते हैं. बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया है, गिवन P1 1.2 बार दिया है ना, V1 दिया है 120 ml. देखिए पहले कंटेनर का वॉल्यूम की जिसमें गैस भरी थी 120 है ना. अच्छा बताइए P2 फाइंड आउट करना है और V2 दिया है, ऐसे वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया जिसका वॉल्यूम 200 है साइड ना. अब लगा के P2 निकाल लें, P1 = 1.2 डैट में कर रहा हूँ, V1 क्या है 120 ना, P2 × V2 क्या है 200 है ना. बताइए यहाँ पर P2 निकाल लें, P2 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 1.2 × 120/200. क्यों ये हो गया, बताइए कितना आएगा 0.72 बार. क्लियर है, 7.2 बांटे क्यों, क्लियर है 0.72 बार. ठीक है लगा लिया. तो इस तरह के सवाल में आप देखेंगे, अब वो डेंसिटी भी निकलवा सकता है ना. अच्छा डेंसिटी अगर निकलवा लिया तो
कभी कभी गैस का मास भी निकलवा सकता है, वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी दे दिया, कह दिया मास निकाल, है ना। ये सारी चीजें आपको बायस लॉ से आ जाएंगे, है ना। और ग्राफ आपने देखा कि बायस के नियम का दो पार्ट है, कि प्रेशर ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। दूसरा, द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों पीवी।